आज पहला एपिसोड है इसलिए सिद्धू जी अभी तक पोलाइट है। हाँ। नहीं तो अभी तक तेरा ना दूसरे शो में ट्रांसफर कर देते। कर ही नहीं सकते क्योंकि किधर से और से इधर आईली है मैं और अभी इधर आई गई है तो रोहित सर से मैं बात करेगी रोहित सर मेरे को अपना असिस्टेंट रख लो ना, आप जो बोलेंगे वो मैं करेगी। मेरी तरह है। हाँ? मैंने भी यही कहा था। मुझे रख लो। एक्चुअली चक्कर पता है क्या, सुन कप्पू मेरे को ना गफूर ने समझाया था क्या, अगर बंबई में टिके रहना है ना तो शेट्टी लोग से बना के रखने का। रोहित सर मेरे ना लाइफ का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। क्या? अरे मेरा ना मुकेश के साथ लफड़ा था। हाँ? मेरा ब्रेकअप हो गया, आप बात करो ना, मेरी सिफारिश करो ना उससे। अरे वो तो वो थोड़ा ना जानते मुकेश को। अरे सब जानते, अपनी फिल्म इंडस्ट्री का है मुकेश। हाँ? वो जो थिएटर में आप लोग की फिल्में नहीं लगती। हाँ, हाँ, हाँ। उससे पहले मुकेश की आती है। अरे फेफड़े वाला मुकेश। हाँ, फेफड़े वाला। इस शहर को क्या हुआ, चारों तरफ धुआं ही धुआं। मैं हूँ मुकेश और मैं 23 साल का, उसके साथ मेरा लफड़ा था रोहित से। अच्छा क्या छोड़ दिया, बहुत सिगरेट पीता था। अच्छा वही मुकेश, तभी मैं सोचूं जर्दे की शीशी जैसी दिखने वाली इसको कौन से मुकेश ने पसंद कर लिया है। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ मेरा शो शुरू हो गया है, तुझे कोई ना कोई काम दे दूंगा मैं, ठीक है? अरे नहीं कप्पू भैया, काम मेरा ऑलरेडी सेट है। क्या? वो देखो ना, सपना ब्यूटी पार्लर खोले ला है मैंने, ऑलरेडी हो गया खोले ला है। बात बता, अगर जैसे फेस पे दीपिका पादुकोण जैसा ग्लो चाहिए तो क्या करना चाहिए उसके लिए? दीपिका जैसा ग्लो? हाँ। उसके लिए तो देखो आपको सबसे पहले जुहू पे 50 करोड़ का फ्लैट खरीदना पड़ेगा। अच्छा, फिर कम से कम 25 फिल्में सुपर हिट देनी पड़ेंगी। अच्छा, फिर एक हैंडसम रणवीर सिंह से शादी करनी पड़ेगी। मतलब कुल मिला के आपका कुछ नहीं हो सकता। इसमें जो है ना सारा का हो सकता है, हमारी सारा कितनी प्रिटी है ना। क्या ग्लो है सारा के लिए, जोरदार ताली हो जाए। सारा बहुत अच्छे यार, देखो मेरा और सारा का स्किन देखो कितना ग्लो करता है, सेम टू सेम फीचर्स भी हमारे मिलते हैं। देखो कहाँ मिलता है तेरा फीचर है, फीचर फीचर वो शाही खानदान से तू शाही दवा खाने में पैदा होने में बात करती है। अच्छा मेरे को शाही खानदान से याद है, सारा एक छोटा सी सिफारिश कर देंगी? बताइए। पापा से बात करके ना मेरे को तैमूर की नैनी लगवा दो ना। तेरे को बच्चों से इतना प्यार है? नहीं मेरे को मीडिया में आने का बहुत शौक है। बहुत मजा आता है मेरे को, उसका नैनी का फोटो देख ले आप लोग, हर पेपर में छपता है। और कितना क्यूट है ना अपना तैमूर, इतना छोटा सा उसकी इतनी बड़ी बड़ी फोटो छपती है। मैं इतनी बड़ी सी, मेरी इतनी सी भी नहीं छपी आज तक। मेरे को करवाओ ना थोड़ा। तेरे को लगता है तैमूर का ख्याल रखवाएगी? ये देखो छोटे लोग छोटी बातें। अरे वो नवाबों का खानदान है, नवाबों का। अरे उन लोगों ने तैमूर की नैनी का ख्याल रखने के लिए 20 लोग रखे हुए हैं। सब बात कर। खैर रोहित सर देखो आपने इतना अच्छा बॉडी बनाया है, आपका पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छा है, आप डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं। 1 करोड़ दो ना मेरे को। क्यों चाहिए 1 करोड़ क्यों चाहिए? पागल है, ऐसे कोई मेहमानों से पैसे मांगता? एक बार बोल बच्चन तो मांगी थी ना मेरे को। तो मेरे को लगा 1 करोड़ भी दे देंगे वो। आप बिना कप्पू भैया, चलो कोई नहीं, मुझे पता है इनमें से कौन मेरे पार्लर में आएगा। कौन? मेरा रानू। कौन रानू? मैं और दीपिका रणवीर को प्यार से रानू ही बुलाते। आओ रानू, ए रानू। सपना तेरे को पता ना, सिम्बा में पुलिस वाले बने रणवीर। अरे हाँ, अरे कमाल के पुलिस वाले यार। पाजी पुलिस वालों को बुलाने के लिए 100 नंबर डायल करना पड़ता है ना। हाँ। ये तो इतने एनर्जेटिक है, 1 नंबर डायल करो सीधा घर पहुंच जाते। 0 डायल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर मैं ना आपका सबसे पहले क्या क्या कौन ओ अरे लग गया मेरे को। क्या हो गया? लहू लग गया।
नस में अब ये जग गया, लहू मुलग गया, लबों के छूने से, खाबों के कोने से, रग से रग गया, लहू लग गया, लहू लग गया, लहू लग गया। हेलो, हाँ दीपिका, रणवीर मेरे कब्जे में, अगर सही सलामत वापस चाहिए तो 10 करोड़ रुपया भेज दो। हाँ देखना, नहीं तो हनीमून भी डिले हो जाएगा। हाँ ओके भाई, अरे कोई टेंशन नहीं, आप तो सिंधी हो, 10 आएंगे अपन 5-5 बांट लेंगे। देखो ये पार्लर तो एक बहाना था, बस रणवीर को गले लगाना था और पहले ही एपिसोड में इन सब से ऊपर आना था। थैंक यू, लव यू, लव यू रोहित सर, लव यू सारा। बाय कप्पू, बाय सपना, बाय बाय रोहित, बाय बाय सपना। क्या बोल रहे? एक बात पाजी मैं बोलना चाहूंगा ये शो की, कि ये दो चेहरे, इनसे बेहतर टेलीविजन पे एक्टर्स है नहीं। क्या बात। और हम लोग ने सोनी पे ही शुरुआत की थी, ये सब नए आए थे, मैं जज था, और फिर एक बार वापस ऐसा हुआ कि 10 साल बाद सोनी पे ही ये दोनों वापस आए साथ में, इनसे बेहतर कोई नहीं है। क्या बात है, इनसे बेहतर है ही नहीं कोई। थैंक यू सर। मैं भी आपको कह दूं कि हमारा जो कॉम्बिनेशन था ना, थोड़ा अधूरा था, गुरु तू क्या आया, पूरा हो गया। मैं भी बोलना चाहूंगा, ये जो करते हैं ये जीनियस लेवल का काम होता है। क्या बात है, पूरे देश को करोड़ों लोगों में इतनी खुशियां बांटते हैं अपने टैलेंट से, अपने हार्डवर्क से। जोरदार तालियां। थैंक यू। और सिर्फ कॉमेडी नहीं, हर तरीके की एक्टिंग, जिस तरीके से ये गाते हैं और जिस तरीके से ये डांस करते हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.